बेटा ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्या कह रहा है? 2% ऑफ मासेस 55 kg 65 kg रिस्पेक्टिवली आर एट द अपोजिट एंड ऑफ द बोर्ड। तो एक छोटी सी बोर्ड बना लेते हैं, एम आई राइट? छोटी क्यों बनाइए जब उसने दे ही रखा है। द लेंथ ऑफ बोट इज 3 meter, ओ ये आपकी 3 meter की है, और इसका वेट जो है 100 kg का है। तो ठीक है, अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप कह सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास ऑफ बोट होगा वो मिड पॉइंट पे करेगा, एज्यूम कर लिया। और दो आदमी हैं, एक 55 के एक 65 के हैं, जो अपोजिट एंड यानी एक एंड पे ये है, ये 55 kg सपोज कर लीजिए, एक पे आपके ये बैठे हैं 65 kg के। 3 meter की बोट है जिसका वेट जो है 100 kg का, कोई बात नहीं। तो आपने कहा कि सर ऐसे सूरत हाल में अगर कहीं भी हम एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले लेंगे तो हमको इस नाव का एक क्या मिल जाएगा, एक सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, इस पूरे सिस्टम का आपको एक सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं कि 55 kg मैन वॉक टू द 65 मैन एंड सिट विद हिम। चलिए ये जो दोस्त है इधर चले और जाके इनके साथ बैठ गए। अब देखिए ये लाइन बहुत बारीकी है। इफ द बोट इज इन स्टिल वाटर द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट टू। भाई साहब ये पानी में है, वाटर में है। दूसरी बात नंबर टू, इन्होंने दिया नहीं, इनको देना चाहिए था कि जो वाटर है वो जो लगा रहा है रजिस्टिव फोर्स वो निग्लिजिबल है, am I right? वो निग्लिजिबल है, एज्यूम कर लीजिए वाटर बहुत ही कम लगाएगा। तो कह रहे हैं कि मास, सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा। भाई साहब सेंटर ऑफ मास जो है किसी भी सिस्टम का स्टेशनरी होता है, यानी कि अगर एक ऐसा सिस्टम है जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, देखिए ये पानी में है, यहां किसी ने भी आपको रस्सी अस्सी से नहीं बांध रखा, कुछ नहीं कर रखा है, तो जिस समय 55 kg 65 kg और ये बोट है, इस पूरे सिस्टम ने एक सेंटर ऑफ मास बना लिया होगा, वो चीज वही रहेगी चाहे मास इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। No external force is applied. थोड़ा बहुत जो भी लगाया होगा चलते वक्त वो वाटर ने लगाया होगा, इसलिए उसको हम कह रहे हैं कि वो निग्लिजेबल है। ऐसे सूरत हाल में कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं किसी सिस्टम के अंदर, जैसा कि आप नाव में देख रहे हैं, नाव में केवल टचिंग किसकी है, पानी की है, पानी को हमने जो है निग्लिजिबल मान लिया है, तो ऐसे स्थिति में आप चाहे इधर से इधर जाएं चाहे इधर से इधर जाएं, सेंटर ऑफ मास स्टेशनरी रहेगा, यानी कि जो नो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, नो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। अब आपके आएगा कि ठीक है नो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, इसका मतलब शिफ्टिंग जीरो हो जाएगी, आप करके चले आए और डॉक्टर भी बन गए 2012 में। आप कहेंगे लेकिन ऐसा हुआ क्या कि आप इधर से इधर आए तो मास कहीं ना कहीं तो अब यहाँ कंसोलिडेटेड हुआ, तो और एक मास ये है 100 kg माना, अब यहाँ हो गया तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होना चाहिए, बजाय इसके जो पहले आपने माना था कि साहब ये था जब ये पूरे तीन सिस्टम थे तो यहाँ था, अब अगर ये सिस्टम हुआ है तो जाहिर सी बात है मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होना चाहिए थ्योरेटिकली। लेकिन अब की बार जब आप जाइएगा किसी नदी में, नाव बैठिएगा, वो तो खैर पकड़े रहते हैं यहाँ पे, रस्सी बांधे रहते हैं, अगर रस्सी नहीं बांधी होगी तो आप देखेंगे नाव में मूवमेंट होगा, और जो नाव में मूवमेंट हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि वो नो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, वो कह रहा है सेंटर ऑफ मास हमारा ये है, तो नाव पीछे होके जो नया सेंटर ऑफ मास आया है ये इस इतनी ये शिफ्ट करके यहाँ पहुंच जाएगी। तो ये उसके पीछे की फिजिक्स है कि नाव बगैर उसके जो चलने लगती है।